हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? बेटा, हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि नीट में, आईआईटी में, एनडीए में, पॉलिटेक्निक जैसे कंपटीशन एग्जाम में आ चुके हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। आज भी मैं आप लोगों के लिए 15 बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जिसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और ये सारे क्वेश्चन नीट में, आईआईटी में, पॉलिटेक्निक, एनडीए जैसे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और जो लोग भी पॉलिटेक्निक, बी फार्मा, डी फार्मा भी करना चाहते हैं, उनके कंपटीशन एग्जाम में भी यही चीज़ें तो पूछी जाएंगी। आखिर फिजिक्स केमिस्ट्री ही तो पूछी जाएगी, और फिजिक्स और केमिस्ट्री का बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक मैं सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। ओके, क्लास 11th वाले स्टूडेंट से मैं ये इतना बता देना चाहता हूं कि वो लोग एक बार यूनिट एंड डायमेंशन वाला अगर चैप्टर पढ़ करके आएंगे तब उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और क्लास 12th वाले बच्चों को ये बताना चाहता हूं कि कुछ बच्चे क्लास 12th के ये सोच रहे हैं कि क्लास 12th के स्टूडेंट को यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ने से क्या फायदा। तो मैं आपको बता दूं कि क्लास 12th में पहले, आज के 5-6 साल 7 साल पहले क्या होता था, क्लास 11th और क्लास 12th दोनों की स्टडी करके एक साथ बोर्ड एग्जाम देना होता था। और जब एक साथ बोर्ड एग्जाम दिया जाता था तो क्लास 11th का भी तैयार रहता था प्लस क्लास 12th का भी तैयार रहता था। और क्लास 11th और 12th दोनों का तैयार रहने की वजह से जब कंपटीशन एग्जाम देते थे तब निकल जाता था उनका। लेकिन आजकल क्या होता है कि क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम देने जब देते हैं तो क्लास 11th का पूरा भूल चुके होते हैं, क्योंकि क्लास 11th पढ़ते ही नहीं हैं, सिर्फ वो क्लास 12th पर फोकस करते हैं। तो क्लास 12th का तो उन्हें पता लगता है, लेकिन क्लास 11th का मीन्स 50% सिलेबस वो भूल चुके होते हैं। और जब वही कंपटीशन एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पर 11th का भी आता है, 12th का भी आता है, दोनों का आता है। और 11th का भी आ रहा है, 12th का भी आ रहा है, और उन्हें पता सिर्फ 50% है, तो कैसे कंपटीशन में सिलेक्शन होगा भाई? सिर्फ 50% पढ़ करके तो कंपटीशन में सिलेक्शन होगा नहीं, कंपटीशन में सेलेक्ट होने के लिए 100% पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोगों को, क्लास 12th वालों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो लाइव क्लास में आएं, उसे देखें और क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसी उतने टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो उसका नोट्स बना लें, उसको कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लें, बस यही इतना तो काम आपको करना है। इससे क्या होगा, क्लास 12th का तो आप पढ़ते ही रहिए, प्लस आपका रिवीजन क्लास 11th वाला भी होता रहेगा। और क्लास 11th के इतने इंटरेस्टिंग, इतने लाजवाब क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो आज मैं इसी के आगे बहुत ही थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके, कल के लेवल से थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जो लोग क्लास 11th में हैं, जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़े हैं यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर, उन लोगों के लिए बस 2 मिनट में मैं ये बता देता हूं कि यूनिट किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन हम कैसे निकालते हैं। ओके, चलिए, बाकी लोग, जिन लोगों को आता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और आंसर कमेंट करें। ओके, चलिए देखिए, मैं क्लास 11th वालों को मैं ये बता दूं कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है जो कि लिखी हुई है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यही 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है जो कि आपको रटी होनी चाहिए। लेंथ की जो डायमेंशन होती है, जो बीमा होती है, लेंथ की डायमेंशन को यल से डिनोट करते हैं और उसे डायमेंशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद रखते हैं। मास को एम से, टाइम को टी से, टेम्परेचर को थीटा से डिनोट करते हैं, करंट को ए से, एम्पियर ए से डिनोट करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को सी डी से डिनोट करते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को म्यू से डिनोट करते हैं। ओके, ये इतना आपको पता होना चाहिए, बस सारी चीजें आप लोग आ जाएगा। अब जैसे हमें एरिया का डायमेंशन निकालना है, किसका निकालना है, एरिया का, क्षेत्रफल का, एरिया, एरिया का हमें डायमेंशन निकालना है, तो डायमेंशन निकालने के लिए उसका, हमारा उसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो एरिया, जैसे रेक्टेंगल की एरिया है, आयत का क्षेत्रफल है, तो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई लेंथ इंटू बिड्थ, लेंथ इंटू बिड्थ, यही तो होता है लेंथ। लेंथ को हम किस में नापेंगे, मीटर में ही तो नापेंगे भाई, इसकी यूनिट भी देखना चाहो तो देख लो, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। टाइम की क्या होती है, सेकंड। टेम्परेचर की क्या होती है, डिग्री सेल्सियस या केल्विन या डिग्री फारेनहाइट। करंट की क्या होती है, एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनेट इंटेंसिटी की क्या होती है, कैंडिला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है, मोल।
ये यूनिट। तो लेंथ को किस में नापेंगे? मीटर में नापेंगे, और मीटर या लेंथ इसका क्या हो जाएगा? डायमेंशन एल। बी, बी क्या है? चौड़ाई, बिट। बिट को हम किस में मेजर करेंगे? बिट को भी हम मीटर में ही मेजर करेंगे, और मीटर का डायमेंशन क्या होगा? एल। तो यल इंटू यल मिलकर के क्या हो जाता है? यल स्क्वायर। बस यही तो इसकी डायमेंशन आ गई, यल स्क्वायर, यल टू, स्क्वायर नहीं बोलते हैं, एल टू। ऐसे ही वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या होता है? लेंथ इंटू बिड्थ इंटू हाइट, यही तो होता है। लेंथ का मीटर में मेजर करेंगे मतलब यल, बिड्थ को भी मीटर में मेजर करेंगे मतलब यल, हाइट को भी मीटर में मेजर करेंगे मतलब यल, क्या आ गया? यल क्यूब मतलब एल थ्री, ये आ गई डायमेंशन। ओके, ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं डेंसिटी, डेंसिटी घनत्व, घनत्व बराबर आप लोग जानते हो द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपान वॉल्यूम, मास अपान वॉल्यूम, मास का हो जाएगा यम, और वॉल्यूम, वॉल्यूम का हम पहले ही निकाल चुके हैं, वॉल्यूम का एल क्यूब। जब एल क्यूब को ऊपर ले जाएंगे तो एम तो है ही है, एल क्यूब ऊपर जाएगा तो एल की पावर माइनस थ्री हो जाएगा। ये डायमेंशन आ गई डेंसिटी की, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही हम कर सकते हैं स्पीड या वेलासिटी, स्पीड या वेलासिटी, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला पता है तो डायमेंशन निकाल सकते हैं। डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम किस में मेजर करेंगे? मीटर में, और मीटर का क्या होता है? एल। टाइम, टाइम का क्या होता है? टाइम का होता है टी। ओके, अब ये हो जाएगा एल टी माइनस वन, ये आ गया एल टी माइनस वन। ओके, ऐसे ही हम कर सकते हैं एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का क्या होगा? एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलासिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, मींस चेंज इन वेलासिटी। फार्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलासिटी डिवाइडेड बाई टाइम, चेंज इन वेलासिटी या वेलासिटी, वेलासिटी का फार्मूला क्या होता है? एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, और डिवाइडेड बाई टाइम का टी, ये टाइम टी है, ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस वन, भाई यहाँ कोई पावर नहीं लगी है मतलब पावर वन, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस वन हो जाएगा, और एक टी की पावर माइनस वन पहले से है तो ये क्या हो जाएगा? एल टी की पावर माइनस टू, कोई प्रॉब्लम? ऐसे ही है फोर्स, फोर्स आप लोग जानते होंगे एफ इक्वल टू एम ए, ए क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो यहां पर चलो यहीं पर डायमेंशन निकाल दूं, एफ, एफ, एम क्या है? एम है हमारा मास, तो मास का एम हो गया, मास का क्या होता है? एम। एक्सेलरेशन ए, ए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एल टी माइनस टू, कोई प्रॉब्लम? ऐसे ही आप लोग वर्क डन, बस यही इतना बताऊंगा, इसके आगे नहीं बताऊंगा, बस यही इतना। अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वर्क डन, वर्क डन की यूनिट क्या होती है? वर्क डन की यूनिट, फार्मूला क्या होता है? वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू होता है एफ इनटू डी, एफ क्या है? फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है? एम एल टी माइनस टू इनटू डी, डी क्या है? दूरी, डिस्प्लेसमेंट, इसका क्या हो जाएगा? एल। तो ये क्या हो जाएगा? एम एल टू टी माइनस टू, ये। और मैं एक चीज आप लोगों को और बता दूं, जिसकी यूनिट सेम होती है उसका डायमेंशन भी सेम होता है। जैसे वर्क डन की यूनिट जूल होती है, एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है, तो वर्क डन की भी यूनिट जूल, एनर्जी की भी यूनिट जूल, दोनों की यूनिट जूल जूल है, तो इसका मतलब है कि एनर्जी की और वर्क डन की डायमेंशन भी सेम होगी। और एनर्जी हो या वर्क डन हो, उसका डायमेंशन क्या होगा? एम एल टू टी माइनस टू। अगर कोई इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकता है, अदरवाइज आप लोग क्वेश्चन का ऑप्शन जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं, इसको रिमूव कर दूं, उसके बाद हम लोग सीधा आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रिमूव कर दूं? चलिए मैं रिमूव कर रहा हूं। अगर आप लोग ना नोट किए हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग सिर्फ बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन को कमेंट कीजिए भाई, कमेंट कीजिए सब लोग, क्या आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन लगाने के लिए रेडी हैं? तो कमेंट कीजिए कि आई एम रेडी सर, सॉल्व करवाइए, कमेंट कीजिए कि रेडी सर, कमेंट कीजिए।
ओके चलिए क्वेश्चन नंबर वन हम लोग देख रहे हैं द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टॉर्क, मतलब बल आघूर्ण का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। बिल्कुल कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, वेरी गुड। टॉर्क टाउ इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। आर क्या होता है डिस्टेंस, एफ क्या होता है यूनिट वो फोर्स। ओके यूनिट निकाल लीजिए आर। आर क्या है लेंथ या डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी एल, क्योंकि मीटर मेजर करेंगे। और एफ क्या है फोर्स, फोर्स का अभी अभी हम लोगों ने निकाला था क्या था यम एल टी माइनस टू। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यम लिख दीजिए, एल एक यहां है एक एल यहां है तो एल टू हो जाएगा और टी की पावर माइनस टू, ये आ जाएगी टॉर्क की यूनिट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यम एल टू टी माइनस टू, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी ऐसा ऑप्शन कोई नहीं है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके सेकंड क्वेश्चन आप लोग देखिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, इसको आप लोग सॉल्व करके दिखाइए भाई, हम इंतजार करेंगे, आप लोग इसको सॉल्व करिए। इफ सी एंड आर डिनोट द कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, सी क्या है कैपेसिटेंस है धारिता है और आर क्या है रेजिस्टेंस है प्रतिरोध है, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सी आर, डायमेंशनल फार्मूला आपको सी आर का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, सी इंटू आर का डायमेंशनल फार्मूला बताना है आप लोगों को, बताना है कौन सा ऑप्शन होगा यम जीरो एल जीरो टी वन, यम जीरो एल जीरो टी जीरो, यम जीरो एल जीरो टी माइनस वन, नॉट एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ एम एल टी। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन होगा, मैं इंतजार कर रहा हूं आप लोग सॉल्व करके बताओ, बताइए भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन कई बार नीट एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये पॉलिटेक्निक एग्जाम में नहीं इसमें बी फार्मा और डी फार्मा जैसे कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, बताइए भाई इंजीनियरिंग के कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए देखिए, हम लोग जानते हैं कैपेसिटेंस वाला फार्मूला हम लोग जानते हैं क्यू इजकल टू सी वी, क्यू इजकल टू क्या होता है सी वी, ये हम लोग जानते हैं कैपेसिटेंस का बेसिक फार्मूला क्यू इजकल टू सी वी। संधारित्र वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो सबसे पहला फार्मूला यही होगा क्यू इजकल टू सी वी। और आर है, आर क्या है रेजिस्टेंस, इसके लिए भी हम लोग जानते हैं वी बराबर आई इंटू आर होता है, जब रेजिस्टेंस का फार्मूला पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम इसमें। इसको कुछ लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते करते उन्हें एक पेज लग जाता है, एक पेज लगा लेते हैं, पता नहीं कौन कौन सा फार्मूला लगाते हैं, एक पेज में सॉल्व करते हैं फिर भी आंसर नहीं निकाल पाते हैं। यहां से देखिए कितने आसान तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, देखिए यहां से दो इक्वेशन हैं, दोनों क्यू इजकल टू सी वी, वी इजकल टू आई आर, एक बार कैपेसिटेंस का फार्मूला लिख दिया, एक बार रेजिस्टेंस का फार्मूला लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए क्यू इंटू वी बराबर सी वी इंटू आई आर, कोई प्रॉब्लम इसमें सी वी और इसमें आई आर। यहां से अगर देखो तो V और इधर भी है, V इधर भी है, कैंसिल आउट हो गया। क्यों क्या है चार्ज हम लोग ये चीज ये जानते हैं I इजकल टू क्या होता है Q अपॉन T, ये होता है तो Q इजकल टू क्या हो जाएगा I इंटू टी, आई इंटू टी इजकल टू सी इंटू आई इंटू आर, यहां से आई कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां से सी आर इजकल टू क्या आ जाएगा T, मतलब सी आर की डायमेंशन वही होगी जो टाइम की डायमेंशन होती है, और टाइम की डायमेंशन क्या होती है टी, बस यही आंसर है। मतलब यम की पावर जीरो मतलब वन, यल की पावर जीरो मतलब वन, टी की पावर क्या है वन, यही हमारा डायमेंशन आ गया। कौन सा फार्मूला है ये फर्स्ट वाला यम जीरो एल जीरो टी की पावर वन, ए ऑप्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो और कमेंट करो जल्दी से, मैं इंतजार कर रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला बताना है, कौन सा है ऑप्शन बताइए। देखिए आप लोग, इसको मैं रिमूव कर दूं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। चलिए कमेंट कीजिए भाई आप लोग, एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, बीमा क्या होती है एंगुलर मोमेंटम,
जल्दी जल्दी बताइए भाई आप लोग। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग सॉल्व करते रहो, जल्दी से कमेंट कीजिए। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को हम जे से डिनोट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम को, कोणीय संवेग को जे से डिनोट करते हैं, और हम लोग जानते हैं यम वी आर होता है, जे बराबर यम वी आर। हम लोग एक पढ़ चुके हैं बोहर का सिद्धांत, बोहर का परमाणु मॉडल, उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग यम वी आर एच अपान टू पाई का पूर्ण गुणज होता है। तो वहां पर भी क्या नाम लेते हैं, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, और आगे फार्मूला भी लिखा रहता है यम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपान टू पाई, तो कोणीय संवेग वही है यम वी आर। ओके, और या कि आप लोगों को पता होना चाहिए कोणीय संवेग का फार्मूला क्या है, एम वी आर। जिसको नहीं पता है, जो लोग क्लास टेंथ में है, इलेवेंथ में है, जिसको नहीं पता है वो लोग इतना जान लें कि अभी आप लोग नहीं पढ़े, क्लास ट्वेल्थ वालों को ये पता होना चाहिए, क्लास इलेवेंथ में कोणीय संवेग पढ़ाया जाएगा। ओके, तो कोणीय संवेग जे बराबर एम वी आर। अब इसका डायमेंशन निकालिए, एम क्या है, मास, मास का होता है एम, ये वी, वी वेलोसिटी है, वेलोसिटी का हम लोग अभी अभी निकाले थे, एल टी माइनस वन होता, आर, आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस का होता है एल, बस इसको सॉल्व कीजिए, एम एल टू टी की पावर माइनस वन, बस यही हमारा हो गया कोणीय संवेग का। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन होगा एम एल टू टी माइनस वन, एम एल टू टी माइनस वन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन आप लोग देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस की डायमेंशन क्या होगी, स्ट्रेस मींस प्रतिबल, प्रतिबल की बीमा आप लोगों को बताना है। कल ही मैंने इसको शायद निकलवाया था पिछले लेक्चर में, तो स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या होता है, फोर्स हम लोग अभी अभी आज निकाल चुके हैं, यम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया का होता है एल स्क्वायर, एक एल और एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ एक एल बचेगा, ऊपर जाएगा तो एल की पावर माइनस वन हो जाएगा और टी की पावर माइनस टू, यही स्ट्रेस का आ गया। स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होगा, यम एल माइनस वन टी माइनस टू, यम एल माइनस वन टी माइनस टू, फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, क्वेश्चन नंबर फाइव आप लोग आंसर दीजिए, द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन, किसकी किसकी बीमा समान है, सेम डायमेंशन किसकी किसकी है, इंपल्स एंड सरफेस टेंशन, एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क, वर्क एंड टॉर्क, यंग मॉडुलस एंड एनर्जी, किसकी किसकी डायमेंशन सेम है, कौन सा ऐसा पेयर है जिसकी डायमेंशन सेम है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। ओके, जल्दी से बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट कीजिए भाई आप लोग, थोड़ा सा ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, और वीडियो को सब लोग लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, ठीक है, जल्दी से करिए आप लोग, और इसका ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट है इंपल्स, चलिए आप लोग सॉल्व करते रहिए और मैं भी सॉल्व कर रहा हूं। ओके, एक एक का हम लोग डायमेंशन निकाल करके देखते हैं, इससे हम लोग डायमेंशनल फार्मूला निकालना भी सीख जाएंगे और ऑप्शन भी हमें पता चल जाएगा। वैसे यहां पर आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन चलिए आप लोग देखिए, इंपल्स, इंपल्स, इंपल्स आई इक्वल टू होता है, इंपल्स का फार्मूला होता है एफ क्रॉस डेल्टा टी, एफ इंटू डेल्टा टी, एफ क्या है, एफ है यम एल टी माइनस टू, और डेल्टा टी टाइम का क्या होता है टी, तो ये क्या हो जाएगा यम एल टी की पावर माइनस टू है, यहां टी की पावर वन है, क्या हो जाएगा टी की पावर माइनस वन, ये हो जाएगा इंपल्स का फार्मूला। ओके, इंपल्स का फार्मूला ये होगा, हो जाएगा। फिर अगला है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन का क्या हो जाएगा भाई, सरफेस टेंशन जो होता है टी इक्वल टू एफ अपान एल होता है, और एफ का क्या होता है यम एल टी माइनस टू, ये होती है फोर्स की डायमेंशन, और अपान एल, एल हो जाएगा, एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तब ये क्या बन जाएगा, तब ये बन जाएगा यम टी की पावर माइनस टू,
ये आ जाएगा। क्या दोनों सेम है? दोनों सेम नहीं है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। ओके, सेकंड है एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क। एंगुलर मोमेंटम, अभी अभी हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकाल चुके हैं। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को जे से डिनोट करते हैं और ये होता है एम वी आर, और यहां से एम वी का मान एल टी माइनस वन, आर का हो जाएगा एल, क्या आ जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, सॉरी टी माइनस वन, क्योंकि टी यही एक ही तो है। ये आ गया एंगुलर मोमेंटम का। वर्क, वर्क का होता है एफ डॉट डी, मीन्स फोर्स, फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, और डी, डी का होता है यल, तो ये हो जाएगा यम यल टू टी माइनस टू, ये आ जाएगा। क्या दोनों सेम है? दोनों सेम नहीं है, मतलब ये भी नहीं हो सकता है। सी ऑप्शन देखिए, वर्क एंड टॉर्क, यही करेक्ट आंसर होगा। वर्क, वर्क का हम लोग निकाल चुके हैं, और टॉर्क का सबसे पहले ही मैं आज निकालने आप लोगों को बताया था। टॉर्क सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में, टॉर्क का होता है आर क्रॉस एफ, आर का होता है एल, और यफ, यफ का हो जाएगा यम यल टू यम यल टी माइनस टू, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये यम यल यल मिलकर के यल टू टी माइनस टू। यहां से देखिए आप लोग, तो ये वर्क का और टॉर्क का दोनों की डायमेंशन क्या आ गई? सेम आ गई। जब दोनों की डायमेंशन सेम आ गई, मतलब यही दोनों क्वांटिटी हैं, यही पेयर है जिनकी डायमेंशन क्या होगी? सेम होगी। क्वेश्चन नंबर फाइव का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी, वर्क एंड टॉर्क। ओके, आगे भी देखना चाहो तो देख लो, यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस, चलिए मैं कर दे रहा हूं, यंग मॉडुलस वाई इजकल टू यंग मॉडुलस, यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है? प्रतिबल बटे विकृति, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस का होता है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है स्ट्रेन, स्ट्रेन का होता है डेल्टा यल अपॉन यल। तो सेम क्वांटिटी का रेशियो है, तो यल का भी मीटर, इसका भी मीटर, मीटर मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, मींस ये डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन, डायमेंशन लेस होता है, और इसका फोर्स अपॉन एरिया का हो जाएगा यम यल टी माइनस टू अपॉन यम यल टी माइनस टू अपॉन एरिया का होता है यल टू, तो ये एक यल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यम यल माइनस वन टी माइनस टू, ये हो जाएगा यंग मॉडुलस का। और अगला है आप लोगों का यंग मॉडुलस, और अगला है एनर्जी, एनर्जी का वही होगा, अभी अभी मैं बता चुका हूँ, क्योंकि एनर्जी का और वर्क डन, एनर्जी और वर्क डन दोनों की यूनिट जूल होती है, मतलब इनका डायमेंशन भी सेम होगा, तो एनर्जी की यूनिट यही होती है। तो क्या ये यूनिट और ये यूनिट सेम है? नहीं है सेम, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए यह ऑप्शन भी नहीं होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पर देखिए, सेलेक्ट द पेयर हुज डायमेंशंस आर सेम, सेलेक्ट द पेयर हुज डायमेंशंस आर सेम, किसकी डायमेंशन सेम है यह आप लोगों को बताना है। डायमेंशन किसके किसके सेम है? पेयर एंड स्ट्रेस, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, प्रेशर एंड फोर्स, पावर एंड फोर्स, बताइए भाई जल्दी से बताइए, किसकी किसकी डायमेंशन सेम है? जैसे ये क्वेश्चन था सेम, वैसे ही क्वेश्चन वो है, जल्दी से बताइए। कमेंट कीजिए, जल्दी से बताइए भाई, सेलेक्ट द पेयर हुज डायमेंशंस आर सेम, प्रेशर एंड स्ट्रेस, प्रेशर एंड स्ट्रेस, प्रेशर एंड स्ट्रेस, प्रेशर का होता है एफ अपान ए, और स्ट्रेस का भी होता है एफ अपान ए, दोनों का फार्मूला सेम होता है भाई, दाब का भी एफ अपान ए होता है फोर्स अपान एरिया, और स्ट्रेस प्रतिबल का भी होता है एफ अपान ए, तो दोनों की क्या होगा, जब दोनों का फार्मूला सेम है तो दोनों की डायमेंशन भी सेम होगी। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और अगला है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो स्ट्रेस प्रतिबल का तो होता है एफ अपान ए, लेकिन स्ट्रेन, स्ट्रेन का क्या होता है? स्ट्रेन होता है डेल्टा यल अपान यल, मीन्स सेम क्वांटिटी का रेशियो है, इसलिए ये हो जाता है डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों की डायमेंशन सेम नहीं आएगी, इसकी डायमेंशन आएगी, और ये तो डायमेंशन लेस है, तो ये भी ये सेम नहीं है।
प्रेशर एंड फोर्स, प्रेशर, प्रेशर की का फार्मूला ये होता है और फोर्स का सिर्फ एफ होता है, तो एफ में जब ए स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तब प्रेशर आता है, मींस प्रेशर और फोर्स दोनों की डायमेंशन सेम नहीं होगी। पावर एंड फोर्स, पावर पी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन टी, यही होता है, और डब्ल्यू के स्थान पर हो जाता है एफ इंटू डी डिवाइडेड बाई टी। तो पावर और फोर्स, पावर के फार्मूले में एफ आ रहा है और उसके साथ साथ डी अपॉन टी आ रहा है, तो फोर्स का और पावर की डायमेंशन सेम नहीं हो सकती है, क्योंकि क्योंकि पावर के फार्मूले में डी बाई टी भी आ रहा है और फोर्स के फार्मूले में डी बाई टी नहीं आएगा। ओके, तो कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए। एम की पावर माइनस वन एल क्यूब एल थ्री टी माइनस टू इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट, सरफेस टेंशन, मॉडुलस ऑफ रिगिडिटी। जल्दी से बताइए भाई आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट, कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। मैं इसको रिमूव कर दूं, चलिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, बताइए भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। एम की पावर माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, किसका है, पहला लिखा हुआ हम सबका निकाल करके हम लोग देखते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट गुरुत्वाकर्षण नियतांक, हम लोग जानते हैं एफ इजकल टू कैपिटल जी, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, एफ इजकल टू कैपिटल जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। यहां से जब जी निकालेंगे तो ये हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर बटे एम वन इंटू एम टू, इतना हो जाएगा। एफ का होता है एम एल टी माइनस टू इंटू आर का होता है एल और स्क्वायर का कर देंगे टू अपॉन एम इंटू एम, ये यम और ये यम कैंसिल आउट हो जाएगा और ये यम ऊपर जाएगा, तो यम की पावर माइनस वन यल दो यहां है एक यल यहां है, तो ये हो जाएगा यल थ्री टी की पावर माइनस टू, ये आ जाएगा। और यही तो हमें दिया हुआ था, यम की पावर माइनस वन यल क्यूब टी माइनस टू, यही तो हमें गिवन है। इसका मतलब कि ये ही हमारा फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, लेकिन हम लोग नीचे भी निकाल करके देखते हैं, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट अगर एग्जाम में आ जाए, प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन निकालो, कैसे निकालोगे प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट हम लोग जानते हैं ई इजकल टू, ये सेकंड मैं कर रहा हूं बी, प्लांक कांस्टेंट ई इजकल टू होता है एच न्यू, ये फार्मूला आप लोग जानते हो, फोटॉन की एनर्जी, फोटॉन की एनर्जी ई इजकल टू एच न्यू, न्यू क्या है, न्यू है फ्रीक्वेंसी, एच क्या है प्लांक कांस्टेंट, ई क्या है एनर्जी, तो यहां से जब एच निकालोगे तो एच इजकल टू आ जाएगा ई अपॉन न्यू। ओके, ई ई क्या है, ई है एनर्जी, एनर्जी की और वर्क डन की यूनिट सेम होती है, तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है एम एल टू टी माइनस टू डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति जो होती है वो आवर्तकाल के व्युत्क्रम को कहते हैं, तो ये इसकी न्यू का वन अपॉन टी होता है, तो न्यू का क्या हो जाएगा वन अपॉन टी, टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा टी की पावर माइनस वन, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यम एल टू टी की पावर माइनस वन, ऊपर जाएगा तो प्लस वन, माइनस टू है प्लस वन, तो ये हो जाएगा माइनस वन, क्या हो जाएगा माइनस वन, ये हमारा फार्मूला आ जाएगा बी ऑप्शन, प्लांक कांस्टेंट का एम एल टू टी माइनस वन, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसके बाद है अगला सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का हो जाता है एफ अपान एल, एफ का हो जाता है एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एल, और एल एल का हो जाएगा एल 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 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा एल टी माइनस टू एम टी माइनस टू एम टी माइनस टू, ये आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। डी ऑप्शन देख लीजिए, डी भी देख लीजिए, मॉडुलस ऑफ रिगिडिटी, दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, मॉडुलस ऑफ रिगिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिगिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिगिडिटी दृढ़ता गुणांक बराबर इस शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, ओके, अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति, अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति दृढ़ता गुणांक का फार्मूला होता है।
मॉडुलस ऑफ रिगिडिटी इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो फार्मूला है, और उसके बाद बहुत ही सिंपल, शेयर स्ट्रेस बटे शेयर स्ट्रेन। तो स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या है? प्रतिबल, प्रतिबल, और प्रतिबल का क्या होता है? चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। मीन्स स्ट्रेन क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है, इसकी डायमेंशन लिखने की जरूरत नहीं है। शेयर स्ट्रेस, स्ट्रेस का हम लोग जानते हैं, स्ट्रेस का होता है यफ अपान ए, और यफ अपान ए हम लोग शायद कहीं निकाल चुके हैं, नहीं पिछले क्वेश्चन में निकाले थे। यफ अपान ए, यफ का हो जाएगा यम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई ए का हो जाएगा एल टू, एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये आ जाएगी डायमेंशन। सबकी डायमेंशन निकाल लिए, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो ये था। मींस क्वेश्चन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नोट कीजिए आप लोग, फिर आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर एट, देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर एट, जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी। डायमेंशनल फार्मूला यम एल माइनस वन टी माइनस टू डज नॉट रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशनल फार्मूला यम एल माइनस वन टी माइनस टू डज नॉट रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी, डज नॉट रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी, ये किसकी, किसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं है ये बताना है। ये यम एल की पावर माइनस वन टी माइनस टू किसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं है, इसको रिमूव कर दूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। चलिए मैं रिमूव कर रहा हूं, बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप लोग सॉल्व करते रहिए भाई, पूरे जोश के साथ सॉल्व करते रहिए, अभी से आप लोगों को अपना जोश कम नहीं करना है, पूरे जोश के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे इंटरेस्ट से सॉल्व कीजिए। यहां पर क्वेश्चन आप लोग इंटरेस्ट से करोगे, पूरे जोश के साथ करोगे, तभी तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में और कंपटीशन एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। जब यहीं पर आपका जोश खत्म हो जाएगा, जब यहीं पर नहीं करोगे तो वहां कैसे कर पाओगे। सॉल्व कीजिए भाई, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यम एल माइनस वन टी माइनस टू डज नॉट रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। आप लोग देखिए, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप लोग जानते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक वाई बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इक्वल टू स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है, और स्ट्रेस का क्या हो जाएगा? यफ अपान ए, यफ अपान ए क्या हो जाएगा? यम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू, ये आ जाएगा डायमेंशनल फार्मूला। क्या यही दिया है? बिल्कुल यही दिया है, यम एल माइनस वन टी माइनस टू, लेकिन वो लिखा हुआ डज नॉट रिप्रेजेंट, मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद स्ट्रेस, और स्ट्रेस को ही तो हमने सॉल्व किया, ये तो डायमेंशन लेस है, तो स्ट्रेस को ही सॉल्व किया, तब भी इतना आया है, मतलब सेकंड भी नहीं होगा। स्ट्रेन प्रतिबल, प्रतिबल सेम क्वांटिटी का रेशियो होता है, इसलिए इसका ये डायमेंशन लेस होता है, तो स्ट्रेन जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस होगा, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगी, और ऊपर दिया हुआ है डायमेंशन, इसका मतलब यही करेक्ट ऑप्शन है। स्ट्रेन ये, इसका डायमेंशनल फार्मूला ये नहीं होता है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्रेशर, प्रेशर पी इक्वल टू हम आप लोग जानते हो यफ अपान ए, इसका भी फार्मूला यही है, और जब दोनों का फार्मूला सेम है तो दोनों का डायमेंशन भी सेम होगी। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नाइन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर बताइए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशनल लेस, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, ये बताना है। कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, हम लोग इसको बहुत बार से देख चुके हैं, फ्रिक्शन का फार्मूला, फ्रिक्शन का फार्मूला यह फिजिकल टू म्यू आर होता है, घर्षण बल का फार्मूला यही होता है, यह होता है कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक म्यू इजकल टू होता है यफ क्रॉस आर। यफ क्या है? यफ है बल, और आर क्या है? प्रतिक्रिया बल, तो ऊपर भी बल है नीचे भी बल है, दोनों सेम क्वांटिटी का बल, न्यूटन बटे न्यूटन, दोनों न्यूटन में है, मींस दोनों फोर्स हैं, दोनों फोर्स हैं, सेम क्वांटिटी का रेशियो, इसलिए ये डायमेंशन लेस हो जाएगा, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस हो जाएगा। अगला क्या है? अगला है हमारा स्ट्रेन, स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है डेल्टा यल अपान यल, सेम क्वांटिटी लेंथ अपान लेंथ, यल अपान यल कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये भी आ जाएगा डायमेंशन लेस,
डायमेंशनलेस, तो कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, स्ट्रेन डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, लेकिन स्ट्रेस का फार्मूला होता है एफ अपान ए होता है, ये तो डायमेंशनलेस नहीं होगी। बिल्कुल भाई, इसका फार्मूला है और सेम क्वांटिटी का रेशियो नहीं है, इसलिए ये डायमेंशनलेस नहीं होगी और यही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नीचे है रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ टू वेव्स की वेवलेंथ का रेशियो, मींस वेवलेंथ का रेशियो मींस लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, तो ऊपर भी लैम्डा नीचे भी लैम्डा क्या होगा, कैंसिल उठ जाएगा, लैम्डा मीटर बटे मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी डायमेंशनलेस हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप लोग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, ये बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, जल्दी से बताइए भाई, इसको हम लोग रिमूव कर दें, चलिए हम रिमूव कर रहे हैं इसको, बताइए इसका ऑप्शन, इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा, मैं इसको देख रहा हूं, मैं बताऊंगा नहीं, जल्दी से आप लोग इसको बताइए क्या होगा, बताइए भाई आंसर बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग, चलिए आप लोग सॉल्व करते रहिए, मैं भी सॉल्व करता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिल्कुल वेरी गुड करेक्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोग जानते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है अपवर्तनांक म्यू से डिनोट करो या यन से डिनोट करो, तो अपवर्तनांक यन बराबर हो जाता है V1/V2 या 1N2, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर हो जाता है V1/V2, ऊपर भी वेलासिटी नीचे भी वेलासिटी, ऊपर भी वेलासिटी नीचे भी वेलासिटी, ऊपर भी मीटर पर सेकंड नीचे भी मीटर पर सेकंड, तो ये क्या आ जाएगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, और यही पूछ रहा है डायमेंशनलेस क्वांटिटी, मींस फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड, पॉइजन रेशियो क्या होता है, पॉइजन अनुपात क्या होता है, ये होता है ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपॉन एक्सियल स्ट्रेन, ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपन एक्सियल स्ट्रेन, अनुप्रस्थ विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति, इन्हीं दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, पॉइजन अनुपात कहते हैं, अनुप्रस्थ विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति, ओके, ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपन एक्सियल स्ट्रेन, और हम लोग जानते हैं स्ट्रेन जो होती है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, तो ऊपर भी स्ट्रेन नीचे भी स्ट्रेन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ जाएगी, ओके। अगला है आप लोगों का इंटेंसिटी ऑफ लाइट, आप लोग जानते हो ल्यूमिनस इंटेंसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, उसकी यूनिट होती है CD, इस तरीके से डिनोट करते हैं, ओके। एनर्जी डेंसिटी का क्या होता है, किसी भी चीज़ की जब डेंसिटी निकालना होता है, वो भी एनर्जी डेंसिटी निकालना है, तो इसका फार्मूला हो जाता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम करते हैं, और एनर्जी का हम लोग जानते हैं वही होता है जो वर्क डन का होता है, ML2T-2 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम का होता है L3, 2L कैंसिल आउट हो जाएगा, 1L बचेगा वो ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा ML-1T-2, यही ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, मीन्स ये डायमेंशनलेस नहीं होगी, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी डायमेंशनलेस नहीं होगी, एनर्जी डेंसिटी भी डायमेंशनलेस नहीं होगी, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और पॉइजन रेशियो ये दोनों ही डायमेंशनलेस होंगे, इसलिए ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव यूनिट बट नॉट हैव डायमेंशन, इसमें कौन सा ऐसा है जिसका मात्रक है लेकिन बीमा नहीं है, बताइए भाई कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, कमेंट कीजिए आप लोग, यूनिट है, मात्रक है, लेकिन डायमेंशन नहीं है, बीमा नहीं है, स्ट्रेन क्या होता है, सेम क्वांटिटी का रेशियो होता है मीटर पर मीटर, तो इसका ना कोई डायमेंशन होती है ना कोई बीमा होती है। स्पीड और हाइट, स्पीड का मीटर पर सेकंड होता है और इसका डायमेंशन भी होता है, हाइट
क्या है, हाइट का डायमेंशन भी होती है और मेजर भी मीटर में करते हैं। ओके, एंगल, एंगल है, एंगल क्या को मेजर किस में करते हैं, रेडियन में करते हैं। एंगल को किस में मेजर करते हैं, रेडियन में करते हैं। और इसका डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं होता है, एंगल का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, 12 नंबर, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ हीट एनर्जी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला बताइए आप लोग भाई। क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी, कौन सा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ हीट एनर्जी। इसको रिमूव कर दूं, बताइए भाई बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। और अगर वीडियो लाइक नहीं है तो सब लोग वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, देख रहे हो आप लोग, आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ करके ला रहा हूं और किस तरीके से मैं एक एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूं। जल्दी कीजिए भाई आप लोग, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। देखिए यहां पर है एनर्जी, क्या है एनर्जी, और एनर्जी चाहे हीट एनर्जी हो, चाहे मैकेनिकल एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, सभी का यूनिट क्या होती है, जूल। तो इसकी वही यूनिट होगी जो वर्क डन की यूनिट होगी, क्योंकि वर्क डन की भी यूनिट क्या होती है, जूल। तो दोनों हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी, एम एल टू टी माइनस टू, वही यूनिट हो जाएगी जो वर्क डन की यूनिट होती है, सभी एनर्जी की यूनिट यही होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग बताइए भाई, द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आज अभी अभी बता चुका हूं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है, वो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। चलिए देखिए फिर से मैं बता दूं, वैसे आप लोग इसका ऑप्शन बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट कीजिए। एफ इजकल टू जी एम वन एम टू अपान आर स्क्वायर, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, तो यहां से जी निकालेंगे तो ये हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर बटे एम वन एम टू, इतना हो जाएगा। जी इजकल टू एफ होता है एम एल टी माइनस टू इंटू आर होता है एल का स्क्वायर इंटू यम, यम और यम कैंसिल आउट हो जाएगा, तब ये जी का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। यम ऊपर जाएगा तो यम की पावर माइनस वन, एल क्यूब हो जाएगा, दो यहाँ एक यहाँ, और टी की पावर माइनस टू हो जाएगा, ये आ जाएगा। कौन सा फार्मूला होगा, यम की पावर माइनस वन, ये यम की पावर माइनस वन बी ऑप्शन में है, यम की पावर माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए और कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए, बस दो क्वेश्चन और करवाने हैं। आप लोग वीडियो को जल्दी जल्दी भाई लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, जल्दी कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से बताइए भाई, आउट ऑफ द फॉलोइंग फोर डायमेंशनल क्वांटिटी व्हिच वन क्वांटिटी इज टू बी कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट। चार फिजिकल क्वांटिटी दी गई हैं, चार क्वांटिटी दी गई हैं, डायमेंशनल क्वांटिटी दी गई हैं, कौन सी क्वांटिटी डायमेंशनल कांस्टेंट है, डायमेंशनल कांस्टेंट क्वांटिटी कौन सी होती है, वो क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन तो हो लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू चेंज ना हो, वो वैल्यू चेंज ना हो, उसे ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट क्वांटिटी। बताइए भाई, चार ऑप्शन हैं, फर्स्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सेकंड है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, सी है वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड किलोग्राम मास, वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड किलोग्राम मास, लास्ट है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। जल्दी बताइए भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बताइए मैं इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से बताइए भाई आप लोग कौन सा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। चलिए मैं बता रहा हूं, एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये इसका डायमेंशन तो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन तो है, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि जो अर्थ सरफेस है, पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह से हम चाहे ऊपर जाएं चाहे नीचे जाएं,
चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, एक्सेलरेटर ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मून पर चले जाएंगे एक्सेलरेटर ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाएगी, बहुत ऊपर चले जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत कम हो जाएगी, पृथ्वी के सेंटर पर चले जाएंगे अर्थ के सेंटर पर चले जाएंगे तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाएगी, मीन्स वैल्यू चेंज हो रही है। ये डायमेंशनल, डायमेंशन तो है लेकिन डायमेंशनली कॉन्स्टेंट नहीं है। अगला है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, वाटर का सरफेस टेंशन, जल का पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव जल का पृष्ठ, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, वाटर का सरफेस टेंशन कुछ ना कुछ होता है। और सरफेस टेंशन होने के कारण आप लोग देखते होंगे जब कुछ जगहों पर नालों नाले होते हैं या कुछ जगह पर बरसात का मौसम है उस टाइम पर कहीं पानी का भरा हुआ होता है, काफी दिन तक पानी भरा रहता है, उस पर मच्छर, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े या मच्छर बैठ जाते हैं और तैरते रहते हैं। क्यों तैर लेते हैं? वो इसलिए तैर लेते हैं क्योंकि सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन के कारण वो डूब नहीं रहे, लेकिन वो मच्छर वहां पर ना बैठें इसके लिए हम क्या करते हैं कि उसमें ले जा करके ऑयल डाल देते हैं। क्या करते हैं? केरोसिन ऑयल डाल देते हैं। जब ऑयल डाल दिया जाता है तो सरफेस टेंशन क्या होता है, हो जाता है, कम हो जाता है, सरफेस टेंशन कम हो जाता है जिसके कारण अब मच्छर बैठेंगे तो डूब जाएंगे, इसलिए जब केरोसिन ऑयल डाल दिया जाता है तो उस पर मच्छर नहीं बैठते। ओके, तो यहां पर सरफेस टेंशन ऑफ वाटर भी ऑयल डाल देने से चेंज हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। अगर वाटर है, वाटर को हीट कर दो, वाटर है, वाटर को हीट कर दो, हीट कर देने से भी सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वाटर को हीट करने से उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है या ऑयल डाल देने से उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है, मीन्स ये सरफेस टेंशन कम हो जा रहा है। सरफेस टेंशन का डायमेंशन तो है लेकिन डायमेंशनली कॉन्स्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। वेट ऑफ स्टैंडर्ड किलोग्राम मास, वेट ऑफ स्टैंडर्ड किलोग्राम मास, एक किलोग्राम मास का जो वेट है, मास तो हर जगह सेम है लेकिन वेट, वेट क्या होता है, वेट W इक्वल टू क्या होता है, वेट W इक्वल टू होता है mg, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, हर जगह चेंज होता है, हर जगह चेंज होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो गया, हर जगह जब चेंज होता है तो वेट भी चेंज हो जाएगा। ओके, लास्ट है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, बिल्कुल वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम में, एयर में, वाटर में, ग्लास में, हर जगह सेम सेम नहीं होता है, हर जगह डिफरेंट डिफरेंट होता है, लेकिन हर जगह डिफरेंट तो होता है लेकिन एक चीज ये होती है वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम के अंदर एक्सेलरेशन, वैक्यूम के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट ही रहती है। कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वैक्यूम के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, ये 2.99×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, इसको अप्रॉक्सीमेटली 3 लिख दिया जाता है। ओके, 2.99 को अप्रॉक्सीमेटली लिख दिया जाता है 3, वैक्यूम के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट यही रहती है, चेंज नहीं होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग देखिए और आप लोग खुद इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से बताइए आप लोग, ये लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए, मैं देख रहा हूं। टू क्वांटिटी ए एंड बी हैव डिफरेंट डायमेंशन, ए और बी दो फिजिकल क्वांटिटी हैं लेकिन दोनों की डायमेंशन क्या है, डिफरेंट है, दोनों की डायमेंशन डिफरेंट है। व्हिच मैथमेटिकल ऑपरेशन गिवन बिलो इज फिजिकली मीनिंगफुल, कौन सा फिजिकली मीनिंगफुल है, कौन सा ऑप्शन सही है, ये आप लोगों को बताना है, ए बाई बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी या नन, कौन सा है सही है बताइए भाई, आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में ही बताया था, यहां पर भी बता दूं कि अगर दो क्वांटिटी हैं, दो क्वांटिटी को ऐड किया गया है या दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट किया गया है या दो क्वांटिटी को इक्वल किया गया है, तो ये दोनों क्वांटिटी को ऐड तभी किया जा सकता है जब इनका दोनों का डायमेंशन सेम हो, दो क्वांटिटी को माइनस तभी किया जा सकता है जब इन दोनों का क्वांटिटी डायमेंशन सेम हो, दोनों को इक्वल तभी किया जा सकता है जब दोनों का डायमेंशन सेम हो, और यहां पर दे रहा है ए और बी का डायमेंशन सेम नहीं है, ए और बी का डायमेंशन सेम नहीं है तो सेम डायमेंशन नहीं है तो इसको ऐड नहीं किया जा सकता, सेम डायमेंशन नहीं है तो इसको सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, मीन्स बी और सी तो ऑप्शन गलत हो गए। ए बाई बी, ए बाई बी अगर ये डायमेंशन सेम नहीं है तो ए बाई बी किया जा सकता है, ए इंटू बी किया जा सकता है, प्लस और माइनस नहीं किया जा सकता, इक्वल नहीं किया जा सकता लेकिन डिवाइड किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है।
ओके और नन। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, फिजिकली मीनिंगफुल ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके तो आप लोगों के ये वीडियो, ये क्वेश्चंस, ये कैसे लगा आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चंस आप लोगों को कैसे लगे, और इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते रहिए। जो घड़ा होता है वो बूंद बूंद से ही भरता है, घड़ा बूंद बूंद से ही भरता है, तो धीरे धीरे ही आप समझ करके सारी चीजें सीख सकते हैं और कंपटीशन निकाल सकते हैं, अचानक एक साथ आप नहीं सीख सकते हैं। ओके थैंक यू सो मच, ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।